अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूँ कमल ख़ान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत बात जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं क्या शेयर करूँगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, और मेरी साथ ही लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी सूरह कहफ़ और सूरह मुल्क की फ़जीलत। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि सूरह कहफ़ को हर जुम्मे के दिन आपको ज़रूर पढ़ना है, इसकी बहुत सी फजीलतें हैं। हदीस में आता है कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ लेता है, इसके लिए इस जुम्मे से आने वाले जुम्मे के दरमियान यानी पूरा हफ़्ता एक नूर रोशन कर दिया जाता है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि जिस शख्स ने इस सूरत की अव्वल 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें याद कर ली और इसको लगातार पढ़ता रहा तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसी तरह एक और सूरत है सूरह मुल्क, उसको भी उसकी भी बहुत सारी फजीलतें हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको आगे बयान करूँगी। सूरह मुल्क की फजीलत यह है कि जो शख्स इशा की नमाज़ के बाद रोज़ सूरह मुल्क की तिलावत करता है तो वो सूरह मुल्क जो है वो जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो अल्लाह ताला से जो है वो आपकी बख्शिश के लिए अल्लाह ताला के सामने खड़ी हो जाती है। तो नाज़रीन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सूरह मुल्क और सूरह कहफ़ को बाकायदगी से पढ़ा करें, और यकीनन आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और साथ ही आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।